हेलो गाइस, सबको नमस्कार। तशी दिलेख, आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग किया था, जैसे कि हमारा दुकान का हैंकर थोड़ा कम हो रहा था तो मैंने हैंकर ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है फ्लिपकार्ट के अंदर। उसमें मैंने 60 हैंकर कम पड़ रहा था मेरा, तो मैंने 60 हैंकर ऑर्डर किया है। और उसके साथ मैंने एक CC कैमरा ऑर्डर किया हुआ है, दिखाता हूँ आपको। ये रहा ऑनलाइन का आदमी आ गया, दिखाता हूँ मैं आपको क्या ऑर्डर किया है। ये पूरा मेरा होगा शायद, इसमें हैंगर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसको खोल के नहीं बनाएगा? नहीं, इसका नहीं है, इसको खोल के देगा। फिर रोटी पे है आप? बिल्कुल। 60 हैंकर मंगवाया था, 60 60। ठीक है, हैंकर पूछेगा, कैमरा भी चेक है, अभी चेक करते हैं घर में इसका फंक्शन कैसा है, कैसा वर्क करता है, देखते हैं। अभी हम हॉस्पिटल में आए हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल दिन भर इसका तबीयत ठीक नहीं था, तो कल हॉस्पिटल आया था, उस समय डॉक्टर मैम नहीं था, चुका था। अभी आया, अभी फिर से आए हैं दिखाने के लिए। मेरा सर दर्द हो रहा है, फीवर हो रही है, बॉडी में पेन हो रही है, बाप रे, रात भर नींद नहीं आया। बॉडी में हड्डी हड्डी अभी देखते हैं। अभी डॉक्टर मैम OT में है बोला, तो अभी वेट कर रहे हैं। डॉक्टर मैम OT में है तो वेट कर रहे हैं अभी हम।
कल से मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब मैं दुकान में गई थी ना, मैंने आपको दिखाया था, तो उस टाइम मैंने वहाँ पर पानी पिया था, तो जो हमने फिल्टर का पानी जो मंगाया था ना, वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो शायद मुझे ऐसा डाउट आ रहा है कि वो शायद ठंडा पानी की वजह से मेरा तबीयत खराब हो चुका है। पहले बेबी का ख़राब हुआ था, फिर बेबी ठीक हो गई, अभी मेरा तबीयत खराब हो चुका है। तो सर्दी जुकाम हेडेक, और हेडेक भी ऐसे मामूली वाला नहीं, भयंकर वाला, इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है ना, फटने वाला एकदम यहाँ से, बिल्कुल इतना दर्द कर रहा है। और कल रात को थोड़ा फीवर आया था, अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन पता नहीं मुझे बॉडी पेन बहुत हो रही है। मेरी यहाँ पर लेग जो है ना, मैं अभी शॉल पहन के बैठी हूँ, तो मेरे यहाँ पर जो लेग है ना, ये पूरा दर्द कर रहा है। और कल रात ना, जब मैं सोते समय सो ही नहीं पाया था, कल रात भर मैं नहीं सोया, क्योंकि मेरा कमर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। कमर और जो मेरा थाई, ये सब कुछ इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था ना, तो कल मैं हॉस्पिटल नहीं दिखा पाया था। तो आज हम गए थे हॉस्पिटल, मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया था, तो अभी मैं हॉस्पिटल से अभी आई हूँ, और मैंने एप्पल्स भी खाया है, देखिए खाली प्लेट यहाँ पर रखा है। तो मैं अभी जस्ट अभी एप्पल खाया था, और अभी बैठी हूँ, बेड पर रेस्ट कर रही हूँ। तो कल से अभी दुकान ज्वाइन करना है मुझे, तो इसलिए अभी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। कल भी दिन भर रेस्ट किया मैंने, और आज भी दिन भर रेस्ट किया। तो अभी मेरा तबीयत उतना खास ठीक नहीं हुआ है, अभी भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, और सर्दी जुकाम अभी भी है। तो अभी देखते हैं कैसा होता है यार, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और बिजनेस के टाइम पर बीमार होना या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और ऊपर से मैं अगर बीमार हो गई, तो सिर्फ बेबी अकेला इधर उधर जा रहे हैं, मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, भैया को दुकान के लिए छोड़ने के लिए जा रहे हैं, फिर दुकान देख रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं, और बैनर लेने भी गए हैं आज। तो बेबी को थोड़ा परेशान हो रही है, लेकिन क्या करूँ, अभी मैं भी जानबूझ के तो नहीं हुआ मेरा, पता नहीं कैसे बीमार हो गए, मुझे खुद समझ में नहीं आया कैसे बीमार हो गया, ऐसे अचानक बीमार हो गया कल, बाप रे क्या करूं। आई होप अभी मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। तो या अभी मैं व्लॉग भी बनाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि उतना हिम्मत नहीं हो रहा, बॉडी पूरा पेन कर रहा है, खांसी भी आ रही है, और छींक भी मार रही हूं, नाक पूरा बंद है, सर में दर्द, कमर पूरा दर्द, क्या करूं। अभी व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अभी ये मेरा काम है तो बनाना ज़रूरी है, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो या अभी मैं बैठी हूँ, जस्ट अभी मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो वही देख रही थी। तो मैं आपको, अगर मैं ठीक हो गई और अगर मैं बाई चांस दुकान में चले गई, तो मैं आपको ज़रूर आपको दिखाऊंगी, बाकी यहाँ पर तो कुछ दिखाने के लिए है नहीं। और पहले हमने ये नया वाला मैट्रेस लिया था ना, ये वही हमने बिछा के रखा है, और ये वाला हमने रैक नया लिया है कपड़ा रखने के लिए, ये अच्छा है, और कपड़ा रखने के लिए ठीक है, क्योंकि बेबी हम दोनों का कपड़ा है ना, बैग में ठूस ठूस के डाला है ना, तो निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो हमने ये वाला नया रैक भी लिया था, उस टाइम मैंने ब्लॉग नहीं किया था, तो या अपडेट करना ज़रूरी है, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो या भी मैं आपको बाद में मिलती हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ यार, बाय बाय। ओके गाइस, तो अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, तो अभी बेबी बोल रही कि वहाँ पर कस्टमर अभी थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं, तो इसलिए अभी बेबी वहाँ पर बैठे हैं, फिर थोड़ी देर बाद बेबी आएंगे भैया के लिए खाना लेने, फिर हम खाना है ना टिफिन में पैक करके भैया के पास पहुँचा देंगे, फिर बेबी दुकान बंद करके घर में आ जाएंगे। और या तो मैं अभी बिग बॉस देख रही थी, और मेरा तबीयत फिर से ख़राब हो गया है, कल रात को मुझे फीवर आया था, फिर सुबह तक फीवर था, फिर दिन में थोड़ा कम हो गया था, लेकिन अभी देखिए रात होती ही फिर से मेरा फीवर जो है ना, वो स्टार्ट हो चुका है, मेरा शरीर पूरा गर्म हो चुका है, और गूसबम आ रही है, मेरा पांव पूरा एकदम ठंडा ठंडा हो रही है, यहाँ से पूरा दर्द और पूरा फीवर गर्म गर्म हो गया है, अभी फिर से रात को ही फीवर स्टार्ट होता है, पता नहीं अजीब सा है। तो अभी बेबी आएंगे, फिर साथ में डिनर करेंगे, फिर मैं दवाई भी ले लूँगी, तो अभी वेट करते हैं बेबी का, पहले बेबी आएंगे तो पहले भैया को खाना छोड़ने जाएंगे, फिर उसके बाद हम डिनर करेंगे। तो वही है, अभी मैं वेट कर रही हूँ,
और मेरा फीवर फिर से चालू हो चुका है। आयो पता नहीं कब ठीक होगा अभी। तो गाइस देखिए बीबी भी आके अभी जा रहे हैं। तो अभी है ना हमने भैया के लिए खाना पैक कर लिया है और बेबी बोल रहा है कि साथ में चलो करके, अगर घर में बैठे बैठे बोर हो रहा है तो करके ना, तो मैं भी घर बैठे बैठे मेरा और भी बीमार ज़्यादा हो रही है तो इसलिए सोचा कि साथ में भैया लोग को खाना देने चलते हैं। तो मैंने अभी अपना जैकेट उठाया तो अभी चलते हैं। और बेबी ने जस्ट अभी मेरा फीवर चेक किया तो उतना है नहीं बोला फीवर, लेकिन पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रही है, शायद मेरा अंदर से गर्म है, अंदर से फीवर है पता नहीं कुछ। तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं और देखो बीबी आगे तो चलते हैं, लेट्स गो। गाइस मौसम तो ठंडा हो चुका है, मैं बाहर निकली ना एकदम हवा ठंडा ठंडा आ रही है, मौसम ठंडा हो चुका है और मेरे शरीर पे पसीना आ रही है ना और भी ज्यादा ठंडा लग रहा है। गरबा गरबा बहुत भीड़ है। आ गए गाइस हम घर में वापस रूम में। तो अभी हमने ना भैया को खाना दे के अभी रूम में वापस आए हैं। आज नहीं नहाएंगे, मैं नहाऊंगी, मैं मैं ऐसे जैकेट पहन के गया ना और भी ज्यादा ठंडा लग रहा है और बीबी तो कुछ भी जैकेट नहीं पहना, बहुत ठंडा है। बीबी ऐसे ऐसे कांप रहा था बेचारा, जैकेट भी नहीं पहना। ओके गाइस तो अभी मैं यहाँ पर डिनर बना रही हूँ और आज हम डिनर में मैगी खाएंगे। तो मैंने प्याज और ग्रीन चिल्ली को डाल दिया है और अभी टमाटर को भी ऐड करूंगी, फिर मसाला वगैरह जो भी रहेगा वो डालूंगी, अंडा डालूंगी, फिर उसके बाद हम मैगी डालेंगे और आज हम डिनर में मैगी पियेंगे गरम गरम सूप, क्योंकि मुझे मैगी और नूडल्स पीने का मन कर रहा था इसलिए आज हम मैगी पियेंगे। उसके बाद मुझे ये बर्तन पूरा धोना है तो या और गाइस आप मुझे ये ऐसे बालों में देख के डर मत जाना, क्योंकि मैं जो नॉर्मल जो रियल है वो मैं ब्लॉग में दिखाना चाहती हूँ, ना कि कुछ लगा के एकदम अच्छे से होके फिर वीडियो में आना, ऐसा नहीं। जो हम डेली क्या करते हैं, डेली जो हम जैसे बैठते हैं, जैसे रहते हैं, जैसे खाते हैं, तो वैसे ही मैं आपको एकदम नेचुरल करना चाहती हूँ, तो इसलिए ये मेरा खुलिया देख के डर मत जाना। तो यार वही कहना चाहती थी मैं।